हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज एक और जर्नी के लिए मैं जा रहा हूँ, जो कि छोटी सी जर्नी है, एक दो दिन की। आज उसके लिए निकल रहा हूँ, बाकी मैं रेडी हो चुका हूँ। तो जल्दबाजी में जो भी व्लॉग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि लेट हो रहा हूँ, तो इसलिए जल्दी से व्लॉग करके मुझे निकलना है। मेरा वेट कर रहे हैं। बाकी मेरी पैकिंग हो चुकी है, ये हेलमेट रेडी है, बैग रेडी है, मेरा हेलमेट रेडी है, सब कुछ रेडी हो गया है। बाकी बस निकल रहा हूँ, उनके पास जाऊंगा और फिर वहां से निकलेंगे। और कहां जा रहे हैं वो मैं आपको रास्ते में बता दूंगा कि कहां जा रहे हैं हम। बाकी आपको ये जर्नी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो ये जर्नी स्टार्ट कर रहा हूं मैं घर से। बाकी घर से निकल के दोस्त के पास जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ दोस्त हैं जो साथ जा रहे हैं, और बाकी रास्ते में मिलूँगा और निकलता हूँ मैं यहाँ से। फिलहाल लेट हो रहा हूँ, तो मिलता हूँ आगे आपसे। चलो भैया, निकल चुके हैं हम सिद्धि बली के लिए। ये सिद्धि बली के लिए रास्ता जा रहा है, अभी फ़िलहाल हरिद्वार के लिए। हरिद्वार वाला रोड है ये, तो फ़िलहाल इस रोड से बीच में जाके कट आएगा, तो वहाँ के लिए निकलेंगे। सिद्धि बली जा रहे हैं आज, छोटी सी जर्नी है ये, एक दो दिन की। तो 3 बजे के आसपास निकले थे घर से, अब बीच में रुके थे थोड़ा रेस्ट करने के लिए, तो अब सेटअप किया है, तो अभी स्टार्ट किया है व्लॉगिंग। और बाकी रास्ते में जैसे जैसे होता रहेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। दो राइडर हमारे आगे चल रहे हैं एवेंजर से, हम जा रहे हैं स्कूटी से, अपनी सुपर स्कूटी। ये है हमारे दो राइडर। ये सिद्धि बली हनुमान जी का मंदिर है, गाजियाबाद से 190 के आसपास पड़ता है ये, तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। ये रहे हमारे दो राइडर, जो कि आप लोगों से हाय करते हुए आगे निकल रहे हैं, देख सकते हो। आप लोगों को ये जर्नी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना जो भी आपको लगे, आप दिल खोल के कमेंट कर दो। बाकी अभी वहाँ पहुँच के आपको हनुमान जी के मंदिर के दर्शन कराऊँगा मैं अच्छे से, देखते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा। दोपहर में निकले थे हम 3 बजे, तो अब हो रहा है 5, तो 2 घंटे हो गए हैं हमें निकले हुए घर से। बाकी मैप में चेक किया था तो 4.5 घंटे दिखा रहा था वहाँ के, तो
मान के चलो 2-3 घंटा भी है वहाँ पहुँचने में। आ चुके हैं हम मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में एंट्री हो चुकी है हमारी। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। लो जी, हमारा मुजफ्फरनगर में स्वागत हो चुका है। ये दो खतरनाक राइडर हैं हमारे। यही है ये, हमने टर्न ले लिया है। अब ये सिंगल रोड आ गया। आ चुके हैं हम सिद्धिवली मंदिर। यहाँ से होती है एंट्री इसकी, तो अब यहाँ से जाएंगे। प्रसाद हमने ले लिया है। यहाँ प्रसाद मिलता है, गुड़ की बेली मिलती है, जैसे भी हो वैसे ले सकते हो। बाकी यहाँ से एंट्री होती है सिद्धिवली मंदिर के लिए। चलो भैया, आरती का टाइम हो रहा है तो आरती देखेंगे। कुछ कहना चाहे? जय बजरंगबली, जय बजरंगबली बाबा की जय। पानी के बाद आ रही है पानी के जाते ये बस अब पहुंचने वाले हैं हम मंदिर। यहाँ पर ये उसको बताएंगे नारियल लिखा है ना? क्या नारियल? जी जी, वह कच्चा नारियल ऊपर ही होगा। अभी चलते हैं ऊपर। अभी जय बोलो बाबा की, जय बाबा की। ये दर्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। ये देख सकते हो, ये है मंदिर।
बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। ये है हनुमान जी का प्राचीन मंदिर। यहाँ पे लोग मान्यताएं मानते हैं कि बहुत ही प्राचीन है ये, बहुत पहले से ही है, क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं और कुछ भी मांगते हैं तो उनकी मन्नतें पूरी हो जाती है। तो उसके बाद ये यहाँ पे आके भंडारा होता है, तो भंडारा होने के लिए यहाँ पे बुकिंग की जाती है, जो कि 2027 तक बुक है। तो अगर आप भी फ़िलहाल कोई भी बुकिंग करते हो तो वो 2027 तक आपको बुकिंग फुल मिलेगी, उसके बाद आपका नंबर आएगा। तो इतनी मान्यता है कि लोग यहाँ पर भंडारा कराते हैं। इस पे बांधो, जाली पे नहीं बांधनी है, समझ पड़ा? जाली पे नहीं बांधनी है, जाली पे मना कर रखा है। जाली ये यहाँ का व्यू देख सकते हो। यहाँ पर ये परिक्रमा होती है मंदिर की चारों साइड से, बाकी ये देख सकते हो। ये है मंदिर, बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है ये। तो यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। बांधनी कहाँ पे है ये बता दो जरा, कहाँ पे बांधनी चलने? एक जगह बनी हुई है, जालियों पे ना बांधे, एक बांधने के लिए उन्होंने ये ग्रिल बनी हुई है, ग्रिल तो यहाँ पे बांधी जाती है। यहाँ पे ये चुनरी बांधी जाती है। अब मिलता क्या है? और ये बाबा का दरबार है, सिद्धि वाली बाबा का दरबार, जो अच्छे अच्छों के संकट हर लेते हैं, सबके मनोकामना सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, और उसके बाद भंडारे होते हैं। जय सिद्धि वाली बाबा की। और एक ये फोटोग्राफर लगा हुआ है बहुत देर से, कुछ कहना चाहोगे? भाव ही नहीं दे रहा मेरे को। भाव देंगे जल्दी, तो जब तो फ्री होएगा। अब बताओ कुछ कहना चाहोगे? कहना क्या है, बाबा के दरबार में आ गए, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। बाकी बहुत ही महिमा है इनकी, जो मन में रहता है वो पूरी होती है। जय श्री सिद्धि वाली बाबा की। और ये देख सकते हो, ये है मंदिर। और ये व्यू यहाँ का, बाकी एक ये है मेरे बाबा। ये इसने गोला फोड़ा बहुत ही खतरनाक तरीके से। बहुत ही धन्य हो गया हमें आगे बजरंग बली के दर्शन कर गए। और बजरंग बली से यही कामना है कि जो भी दुष्ट है उनके अपने आप को बोल रहा है ये जो दुष्ट है इससे थोड़ी सदबुद्धि। बाकी ये मंदिर है ये देख सकते हो, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये।